आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर से। रामपुर मनिहरन अध्यात्म योगी संत चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ससंग ने 27 जैन मुनियों के साथ पदयात्रा के दौरान कस्बे में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान श्री दिगंबर जैन समाज के लोगों ने गगनभेदी जयकारों से बैंड बाजों के साथ आचार्य सहित जैन मुनियों के भव्य स्वागत किया। शुक्रवार को जैन मुनियों के मंगल प्रवेश से पूर्व श्री दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। विशुद्ध महाराज जी के ससंग कस्बे में पहुंचने पर समाज के लोगों ने धर्म ध्वज के साथ जय गुरुदेव सत्य अहिंसा जियो और जीने दो के जयकारों से वातावरण धर्ममय बन गया। बाद में संत अतिथि भवन में स्वागत करते हुए जैन संतों का पाद प्रक्षालन व मंगल आरती कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया और महिलाओं ने मंगल गीत गाए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में शांति धारा का उच्चारण किया गया। बाद में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि भगवान का नाम लेने से ही तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि मिलेगी। तदुपरांत संतों की आहार चर्या का आयोजन किया गया। दोपहर बाद समाज के लोगों ने संतों को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान प्रधान मनोज जैन, पंकज जैन, निपुण जैन, संजय जैन, शशांक जैन, वीरेश जैन, भूपेंद्र जैन, डॉक्टर राजेश जैन, प्रदीप जैन, अरविंद जैन, जिनेंद्र जैन, विपुल जैन, अनुराग जैन, संतोष जैन आदि सहित काफी संख्या में समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। पानी का गिलास रामपुर में मिलता है क्या? पानी का गिलास आपके गांव में मिलता है क्या? मिलता है। अच्छा, पानी का गिलास है तो पानी का गिलास जो है उसको तुमने कितनी बार पिया? बालक खड़ा हो गया चश्मा बना। हाँ, आपके घर में पानी का गिलास है? हैं? कितनी बार पिया? पानी पिया, गिलास नहीं पिया। लेकिन बोलती क्या हूं? पानी का गिलास, उसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए गिलास पानी का है। लेकिन पास में गिलास तो सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, धातु स्टील का हो सकता है, कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। परंतु सुबह से आकर शाम तक लोगों को सताता हूं, हिंसक कर रहा हूं, झूठ बोलता हूं, चोरी करता हूं, कुशील सेवन करता हूं, परिग्रह का संचय कर रहा हूं, ऐसा जीव क्या भगवान की घंटी बजाने से मुझ चला जाएगा? प्रभु न किसी को नरक भेजते हैं, प्रभु न किसी को भगवान बनाते हैं। मित्र विश्वास के आपका चारित्री आपका निर्माण करता है। कोई चारित्र होगा वो भाई के हाथ में चले जाओगे, तो सम्मित चारित्र होगा तो मेरे साथ बैठ जाओगे। अब बोलिए, आज तक कोई परमात्मा ने किसी को नरक नहीं भेजा, ध्यान रखना। आज तक किसी परमात्मा ने विश्व में किसी भी जीव को नरक नहीं भेजा, तो आज तक किसी भी परमात्मा ने किसी को स्वर्ग भी नहीं भेजा, स्वर्ग भी नहीं भेजा। भैया से तुमको डर लग रहा है क्या? खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।